स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश चैप्टर फोर नॉकिंग एट द इनविजिबल डोर कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर इज पराग पराग जॉनी एरिक एंड मिस कार्लिना सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर माइक वाई आर यू ड्रेस्ड लाइक दैट माइक तुम ऐसे ड्रेस क्यों पहने हो इट्स अ सरप्राइज नाश आई एम ट्राइंग टू रीड ये एक सरप्राइज है अब चुप हो जाओ मैं कुछ रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ वॉट आर यू ट्राइंग टू रीड देयर इज़ नो बुक इन योर हैंड तुम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तुम्हारे हाथ में तो कोई बुक है ही नहीं हाँ हाँ लेट मी टर्न देज एंड रीड अ स्टोरी टू यू हाँ हाँ मुझे पेज पलटने दो और मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ पराग हैज़ रिसेंटली मूव्ड टू कैनेडा विद हिस फैमिली ही हैज़ मेड सम न्यू फ्रेंड्स इन हिज स्कूल टुडे एवरी वन सीम्स टू बी एक्साइटेड अबाउट द ड्रामा क्लास पर आग अभी नया नया अपनी फ़ैमिली के साथ कैनेडा गया हुआ था वहाँ पे उसने अपने नए स्कूल में कुछ नए दोस्त बना लिए थे आज सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ड्रामा क्लास के लिए जिनी आई कॉन्ट वेट फॉर अवर ड्रामा क्लास टुडे जिनी मैं आज की अपनी ड्रामा क्लास के लिए बिल्कुल वेट नहीं कर सकता एरिक मी टू इट्स गोइंग टू बी ए फन क्लास एरिक मैं भी मैं भी आज की फ़न क्लास को मिस नहीं करना चाहती पराग गाइज वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट वाई आर यू सो एक्साइटेड अबाउट द ड्रामा क्लास तभी पराग कहता है कि गाइज़ तुम लोग क्या बात कर रहे हो आज क्या एक, आज इतने क्यों एक्साइटेड हो तुम सब लोग ड्रामा क्लास के लिए जिनी पराग यू आर न्यू टू अवर स्कूल अवर ड्रामा टीचर मिस कार्लिना टोल्ड अस दैट शी वुड बी गिविंग अस ए सरप्राइज़ इन द नेक्स्ट क्लास जिनी पराग तुम अभी हमारे स्कूल में नए आए हो हमारी जो ड्रामा टीचर हैं मिस कार्लिना उन्होंने आज हमसे बोला है कि वो हमें ड्रामा क्लास में कुछ सरप्राइज देंगी द स्टूडेंट्स एंटर द ड्रामा हॉल एंड टेक देयर सीट्स Suddenly, all the lights turn off and they see a man on stage in the spotlight. He is dressed in black and white. His face is painted white and his nose has a red circle. All the children get excited. The act starts. First, the man walks holding an imaginary dog. There is no dog, but the man struggles with the rope as if he is trying to control his dog. Then he starts pulling a rope, but there is no rope there. Everything looks real. There is no rope, but the man is pulling it. There is no door, but he is knocking on it. the children laugh when he makes funny faces he finally sits on imaginary chair the little the lights turn on on and miss carlina comes on the stage to address the students तभी सारे बच्चे आए और ड्रामा हॉल में आकर बैठ गए उन्होंने सब सब अपनी अपनी सीट्स ले ली तभी ड्रामा हॉल की सारी लाइट्स बंद हो गई और स्टेज पे एक स्पॉटलाइट पड़ी जिसमें एक आदमी खड़ा था वो ब्लैक और वाइट कलर की ड्रेस पहने था उसका जो फेस था वो वाइट कलर से पेंट था और उसकी नोज पे एक रेड सर्कल था तभी सारे बच्चे एक्साइटेड हो गए कि अब क्या होने वाला है तभी वो आदमी पहले एक डॉग को घुमाने लगा जो कि इमेजनरी था ना तो वहाँ कोई डॉग था पर जो आदमी था वो स्ट्रगल कर रहा था रोप से डॉग को कंट्रोल करने के लिए फिर उसने अब रोब को खींचना शुरू किया बट वहाँ पर तो कोई रोब थी नहीं पर वो सब कुछ असली लग रहा था ना तो वहाँ कोई रोब थी ना कोई डॉग था पर फिर भी आदमी कोशिश कर रहा था ना वहाँ पे कोई डोर था पर वो उसको नॉक कर रहा था तभी सारे चिल्ड्रन हंसने लगे और फनी फनी फेसेस बनाने लगे फिर वो जो इमेजनरी चेयर जो आदमी था वो इमेजनरी चेयर पर बैठ गया अब सारी लाइट्स टर्न ऑन हो गई थी फिर मिस कार्लिना स्टेज पे आती हैं और स्टूडेंट्स को बताती हैं मिस कार्लिना एवरी वन प्लीज गिव मी मिसर अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज डू यू नो वॉट वी कॉल दिस आर्ट परागरेज इज हैंड यस प्लीज टेल अस वॉट यू नो अबाउट दिस आर्ट तभी मिस कार्लिना कहती हैं कि सभी बच्चों मिस्टर पेटिसन को तुम सब लोग मिस्टर पेटिसन के लिए तुम सब लोग तालियां बजाओ क्या तुम सब जानती हो ये आर्ट क्या है तभी पराग अपना हाथ उठाता है फिर मिस कार्लिना कहती है कि अच्छा तुम बताओ कि ये आर्ट का नाम क्या है पराग दिस आर्ट फॉर्म इज कॉल्ड मीम इन दिस एक्ट अ पर्सन साइलेंटली एक्सप्रेसिस थिंग्स आई वंस सॉ दिस इन इंडिया तब पराग कहता है कि इस आर्ट फॉर्म को मीम कहते हैं ये एक वो एक्ट है जिसमें एक आदमी साइलेंटली अपने सारे एक्सप्रेस express, एक्सप्रेशंस के थ्रू अपनी सारी चीज़ें बताता है मैंने ये एक बार इंडिया में देखा था मिस कार्लिना थैंक यू पराग यू आर राइट मीम इज़ वेयर यू साइलेंटली एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव टू बी रियली गुड टू डू अ मीम शो एज देयर इज़ नो टॉकिंग यू हैव टू शो वॉट यू मीन बाय बॉडी लैंग्वेज मिस कार्लिना कहती हैं थैंक यू पराग तुम सही हो मीम वो होता है जो साइलेंटली अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू चीज़ों को एक्सप्रेस करता है ये एक मीम शो है जहाँ पर ना तो कोई बात होती है बस अपने एक्सप्रेशन से ही सबको समझाना पड़ता है और अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए ऑल द स्टूडेंट्स आर अ लिटिल पजल्ड मिस कार्लिना कॉल जिनी ऑन द स्टेज सारे बच्चे कन्फ्यूज हो गए तभी मिस कार्लिना जिनी को स्टेज पर बुलाती हैं मिस कार्लिना जिनी इमेजिन देयर इज़ अ बुक इन योर हैंड शो मी हाउ यू होल्ड अ बुक वाइल रीडिंग इट जिनी इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में बुक है और तुम उसको पढ़ रही हो अब इमेजिन imagine... उसको अपने हाथ में पकड़ कर दिखाओ इमेजिनरी करके जिनी लिफ्ट अप पर हैंड एंड इमेजिज दैट शी इज़ रीडिंग बुक जिनी अपना हाथ उठाती है और इमेजिन करती है कि वो बुक पढ़ रही है मिस कार्लिना फॉर हाउ लॉन्ग विल यू रीड द सेम पेज जिनी टर्न द पेज जिनी लुक्स एट मिस कार्लिना थिंग्स आर लिटिल एंड एंड देन टर्नस ऑन इमेजनरी पेज तभी मिस कार्लिना कह रही है क्या तुम एक बहुत देर तक एक ही पेज पढ़ती रहोगी जिनी चलो पेज को टर्न करो फिर जिनी कुछ सोचती है और फिर पेज को टर्न करके दोबारा पढ़ने लगती है मिस कार्लिना नो नो टर्न इट स्लोली सो दैट वी कैन सी हाउ यू टर्न अ पेज नहीं नहीं धीरे धीरे टर्न करो जिससे हम देख पाए तुमने पेज को कैसे टर्न किया दिस टाइम जिनी टर्न्स द पेज स्लोली अब इस बार जिनी ने पेज को धीरे धीरे पलटा मिस कार्लिना वट इज दिस बुक अबाउट जिनी मिस कार्लिना कहती हैं कि ये बुक जो है वो किस बारे में है जिनी जिनी इट हैज जोक्स इन इट इसमें जोक्स है मिस कारिना देन वाई आर यू सो सीरियस आई वॉन्ट टू सी हाउ यू लव वैन यू रीड अ गुड जोक मिस कार्लिना तभी मिस कार्लिन कहती है अगर ये जोक बुक है तो, तो तुम इतनी सीरियस क्यों हो हम सब देखना चाहते हैं कि तुम जोक पढ़ते हुए कैसे हंसती हो जिनी एक्ट्स एज इफ शी इज़ रीडिंग शी पुट्स आर हैंड ऑन राइट राइट हैंड ऑन आर माउथ हैंड मीम्स लाफिंग एवरीम क्लब्स फॉर जिनी जिनी पढ़ने की पढ़ने का एक्ट करती है और अपने राइट हैंड को अपने गाल पे रखते हुए हंसने लगती है सभी तब तभी सब लोग जीनी के लिए तालियां बजाते हैं मिस कार्ली पराग डू यू वॉन्ट टू बोरो दिस बुक तभी मिस काली पराग से कहती है कि क्या तुम ये बुक लेना चाहोगे पराग कहता है हाँ मैम मिस देन कम हियर नॉक ऑन द डो एंड जिनी विल ओपन द डोर फॉर यू तो फिर यहाँ पर आओ डोर को नॉक करो जिनी तुम्हारे लिए डोर को खोलेगी पराग गोज ऑन द स्टेज पराग स्टेज पे जाता है मिस कार्लीना पराग फर्स्ट नॉक ऑन माई हैंड देन आई विल रिमूव माई हैंड बट यू हैव टू इमेजिन देट यू आर नॉकिंग ऑन ए हार्ड सरफेस फिर मिस कार्ली जो है वो पराग से कहती हैं पहले तुम मेरे हाथ पे नॉक करो फिर मैं अपना हाथ हटा लूँगी और फिर भी तुम नॉक करना ये सोच कर कि वहाँ पर एक हार्ड सरफेस है पराग डज द सेम जनी रन्स जिनी रन्स टू ओपन द डोर बट मिस कार्लिना स्टॉप सर पराग ने बिल्कुल वैसा ही किया जिनी डोर खोलने के लिए भागती है पर मिस कार्लिना उसको रोक लेती है। मिस कार्लिना नो no, जिनी फर्स्ट पुट द बुक ऑन द टेबल नहीं जिनी पहले अब तुम अपनी बुक को टेबल पर रखो जिनी स्माइल्स एंड एक्ट्स एज इफ शी वर पुटिंग बुक ऑन द टेबल देन शी वॉक्स टूअर्ड्स पराक एंड ओपन द डोर स्लोली एवरी वन क्लैप्स अगेन जिन्हें स्माइल करती है और बुक को टेबल पर रखने का एक्ट करती है फिर वह धीरे धीरे जाती है पराक के लिए दरवाज़ा खोलती है तभी सब लोग उन लोग दोनों के लिए तालियाँ बजाने लगते हैं मिस कार्लिना आई नो ऑल ऑफ यू रियली लाइक दिस एक्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ओपन द रेफ्रिजरेटर डोर टेक आउट अ वाटर वाटर बॉटल ओपन द बॉटल एंड ड्रिंक सम वाटर रिमेंबर इट शुड बी स्लो इनफ फॉर एवरी वन टू सी हाउ यू डू इट मिस कालिना तब कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुम सब लोगों को ये एक्ट बहुत पसंद आया है चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं तुम सब फ्रिज का ड्रोर खोलो उसमें से पानी की बोतल निकालो फिर पानी की बोतल को खोलो और फिर थोड़ा सा पानी पियो इस इस पूरे एक्ट को तुम्हें इतना धीरे करना है कि सब तुम्हारे ये एक्ट देख पाएं Just then the bell rings. The children leave the hall, but it looks like everyone is still continuing to meme. Eric catches the ball as Ginny throws it, and Parag is still reading the book with all the jokes. तभी बेल बज जाती है सारे बच्चे हॉल में जाते हैं पर पराग वहीं पर पराग वहीं बैठा रहता है और मीम की एक्टिंग करता है तभी एरिक उसको बॉल फेंकता है नहीं तभी एरिक जो होता है वो बॉल पकड़ता है और जिनी उसको फेंकती है और फिर भी पराग अपनी जो जोक्स की बुक था उसको पढ़ता रहता है